बिहार मानवाधिकार आयोग के पास पिछले कई सालों से लाखों केस लंबित हैं। ऐसे में इन केसों के निपटारे को लेकर आज से आयोग 2 दिनों की खुली सुनवाई कर रहा है। तो आज 2 दिनों की खुली सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर 2 दिनों तक सुनवाई होगी, बैठक चलेगी। आज बैठक भी होने वाली है इस बात को लेकर। आयोग के पास सालों से लंबित लाखों केस पड़े हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता आनंद पुत्राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर बातचीत करते हैं। आनंद, इसे लागू करने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, मानवाधिकार आयोग की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई, पटना हाईकोर्ट की भी जज हैं, वो लोग भी पहुंचेंगे। और आज जो है अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जितने मामले, लगभग 57 ऐसे मामले हैं जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। 23 तारीख तक ये चलेगी सुनवाई और इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सालों साल से लंबित पड़े हुए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो इस बार मानवाधिकार आयोग ने खुली अदालत एक तरीके से लगाई है और जल्द से जल्द उन लोगों की शिकायत दूर हो जाए और जो सालों से लंबित मामले पड़े हैं उनकी सुनवाई हो जाए। तो आज अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लगभग 57 ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई आज होगी और उम्मीद है कि ऑन द स्पॉट फैसला भी होगा। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपने केस को लेकर सालों साल तक इंतजार कर रहे थे। ललिता, बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बिहार मानवाधिकार आयोग के पास पिछले कई सालों से लाखों केस लंबित पड़े हैं और ऐसे इन केसों के निपटारे को लेकर आज से 2 दिनों की आज बैठक भी चलने वाली है और खुली अदालत लगाई जाएगी ताकि लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और उसका निपटारा हो सके।